देवी और सज्जनों, आज का दिन उज्जैन वासियों के लिए भी बेहद विशेष है, क्योंकि उज्जैन में देश की पहली स्वच्छ एवं स्वस्थ फूड स्ट्रीट लोकार्पित की गई। इसी के साथ आज होने जा रहा है महाकालेश्वर मंदिर एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर आप उज्जैन में होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास करें। हर सिद्धि चौराहे से महाराजवाड़ा तक विकास कार्य होगा, साथ ही महाकालेश्वर मंदिर, नंदी हॉल, अभिषेक स्थल पालकी हॉल का सौंदर्यीकरण, काल भैरव मंदिर पर क्राउड मैनेजमेंट और हरी फाटक पुल पर आकर्षक प्रकाश व्यवस्था का कार्य। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। महाकाल लोक में देश का पहला हेल्दी हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम आरओ वाटर से बनेगा भोजन। उज्जैन के श्री महाकाल लोक में देश के पहले हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस फूड स्ट्रीट को 1,75,00,000 रुपए की लागत से तैयार किया गया है। शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी साथ रहे। इसके बाद देश भर में 100 स्थानों पर यह स्ट्रीट खोले जाएंगे। यहां समोसा, कचौड़ी और जंक फूड के साथ प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। फरवरी के प्रथम सप्ताह में इसे पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। श्री महाकाल लोक के नीलकंठ द्वार के पास बनी पार्किंग की छत पर इस फूड स्ट्रीट में 150 से 200 स्क्वायर फीट की कुल 17 दुकानें हैं। इन सभी दुकानों का टेंडर होना अभी बाकी है। नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक ने बताया कि इसमें ईट राइट फूड के सभी नियमों को ध्यान में रखा जाएगा। प्रसादम में अलग अलग फूड स्टॉल होंगे, जहां उज्जैन के स्थानीय व्यंजनों का लुप्त भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु ले सकेंगे। आज के इस पूरे भव्य आयोजन की पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है एमआईजी सदस्य एवं पार्षद एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश शर्मा जी। आज किस प्रकार का आयोजन ये पूरा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिरकत की है, और ये कितना भव्य है जो पूरे भारतवर्ष में पहला ऐसा फूड कोर्ट है। वाकई में आज का जो दिन है उज्जैन के लिए बहुत ही आनंदित दिन है। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव के सफल प्रयास से आज केंद्रीय मंत्री के द्वारा आज उज्जैन शहर महाकाल लोक के अंदर इस प्रसादम का जो शुभारंभ हुआ है, जिसकी बहुत ही आवश्यकता थी। देश दुनिया से आने वाले पर्यटक इन सारी चीज़ों के लिए बहुत लालायित हैं, और यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और शुद्ध प्रसाद के रूप में जो सामग्री है वो बहुत अद्भुत है। और आज उज्जैन के अंदर जो सौगात मिली है, ये वाकई में माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत धन्यवाद है कि इस तरह की सौगात उज्जैन शहर की जनता को चाहिए थी, जो आज सपना साकार हुआ। जिस तरह से इसको स्मार्ट सिटी ने बनाया है, बहुत ही सुंदर आप देख रहे हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं, अलग अलग आइटम यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। ज्वार बाजरा के लड्डू मिल रहे हैं, यहाँ तरह तरह की खिचड़ी दिख रही है, महाकाल का प्रसाद यहाँ पर है। इस तरह से यहाँ के जो प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है और बाहर के जो प्रतिष्ठान है और जो आए हैं, और इन्होंने जिस तरह से आज लगाया है, ये वाकई में उज्जैन के लिए गौरव की बात है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि वाकई में वो उज्जैन के हैं, और उज्जैन के अंदर कोई कसर छोड़ने वाला नहीं है। यह सौगात उज्जैन को मिली है, इसके लिए उज्जैन की जनता की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पूरे देश और विदेश की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, उज्जैन जब भी आए थे यहाँ आए तो किस प्रकार की उन्हें कामयाबी मिलेगी? यह बात सही है, जब से महाकाल लोक बना है देश दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस प्रसादम का आनंद लें। जय श्री महाकाल, महाकाल महाराज की जय। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजन भारती जी एवं पूर्व विधायक। आइए जानते हैं आज के इस पूरे प्रोग्राम, जो कि पूरे भारत में बहुत चर्चित होने जा रहा है, क्योंकि पूरे भारत का ये पहला फूड कोर्ट है। सर, किस प्रकार का प्रोग्राम है जिसे मुख्यमंत्री जी ने शिरकत की? ये उज्जैन की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के कार्यकाल का ये महाकाल लोक में हाइजेनिक फूड्स की में समस्याओं की हिंदुस्तान का पहला ये प्रकल्प के रूप में जनता के लिए जो है सेवा के माध्यम से ये पहला जो है पहला जो है ये फूड जोन दिखाई दे रहा है। इस फूड जोन में स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से, और महाकाल लोक भवन में आने वाले दर्शनार्थियों की दृष्टि से उनको स्वच्छ भोजन, ताकि यात्रा अच्छे से हुए
और उनका स्वास्थ्य ठीक से रहेगा। पहले ही एक बात देखने में आया कि लाखों की संख्या में उज्जैन में आजकल भीड़ आ रही है और इतनी अच्छी सौगात के बाद क्या उम्मीद रखते हैं कि कितना अच्छा संदेश जाने वाला है उज्जैन से? उज्जैन की जनता पलक पावड़े आम दर्शनार्थी यात्रियों के लिए सेवा के रूप में हर समय खड़ी रहती है, पर सरकार के जितने भी जो प्रकल्प हैं, सरकार की योजनाओं के माध्यम से जनता की किस प्रकार सेवा की जाए, आने वाले इस यात्रियों के दबाव में जो सबसे अधिक आवश्यकताओं की जो चीज़ें थी, चाहे वो पार्किंग की प्राथमिकता हो, चाहे वो रहने की प्राथमिकता हो, चाहे वो मतलब भोजन प्रसादी की प्राथमिकता हो, अन्य क्षेत्र के रूप में भी पिछले दिनों सौगात दे चुके हैं। और ये हाइजेनिक फूड का एक नवाचार के रूप में हिंदुस्तान का पहला है ये प्रकल्प है जो जनता को सौगात के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी आए। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका लोकार्पण होना और महाकाल लोक के माध्यम से एक सौगात मिलना, ये देशव्यापी यात्रियों के लिए या उज्जैन के दर्शनार्थियों के लिए एक बड़ी सौगात है। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि यहां आरओ वाटर से खाना बनाया जाएगा और पीने के लिए भी यही पानी इस्तेमाल होगा। खाना बनाने वाले वेंडर को हाथों में ग्लव्स, सिर पर टोपी और एप्रिन पहन कर रखना होगा। वर्कर और वेंडरों का मेडिकल टेस्ट होने के बाद ही उन्हें काम करने की अनुमति मिलेगी। कचरा डिस्पोज करने की जिम्मेदारी भी दुकानदारों की होगी। बता दें, प्रसादम के लोकार्पण के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 218.76 करोड़ रुपए के 187 कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। वहीं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के प्रबंधक कुमार विकास ने बताया कि प्रसादम में मोटे अनाज से बने पकवान को बढ़ावा दिया जाएगा। FSSAI की तरफ से वेंडर्स को फूड हैंडलिंग ट्रेनिंग दी जाएगी। फूड सेफ्टी ऑन व्हील गाड़ी सप्ताह में एक बार प्रसादम आकर यहाँ बनने वाले भोजन और खाना बनाने, सर्व करने से लेकर कचरे का प्रबंधन करने की भी ट्रेनिंग के तरीके की जाँच करेगी। इसमें भारत सरकार द्वारा तय मापदंडों को देखा जाएगा। समय समय पर वर्करों की ट्रेनिंग भी होगी। यह टीम औचक निरीक्षण भी करेगी, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो कॉल कर जांच करा सकेगा। वहीं कलेक्टर सिंह ने बताया कि प्रसादम बनकर तैयार है। स्ट्रीट फूड को हाइजेनिक बनाने के लिए इसे एक मॉडल की तरह 2 दिन चलाएंगे। 2 दिन बाद शॉप का अलॉटमेंट होगा, लोगों को हाई क्वालिटी भोजन मिलेगा। मोटे अनाज के उत्पादों में राजगिरा, सनवा, कुट्टू, रागी, कांगनी, कोदो, समा, बाजरा, चना, ज्वार से बने व्यंजन मिल सकेंगे। महाकाल लोक के पास नीलकंठ पार्किंग का एक गेट प्रसादम के सामने है, इससे लोग आसानी से यहां तक पहुंच सकेंगे।